भारत और श्रीलंका के बीच पानी में डूबा हुआ लाइमस्टोन से बना एक ब्रिज है। एरियल व्यू से साफ दिखता है कि यह ब्रिज श्रीलंका से भारत को जोड़ता है। लोगों की माने तो यह ब्रिज श्री राम की वानर सेना ने बनाया था। वहीं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2007 में कहा था कि यह ब्रिज मैनमेड है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी फाइल की थी, जिसको बाद में वापस भी ले लिया गया था। यह ब्रिज तमिलनाडु के धनुषकोडी से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार आइलैंड को जोड़ता है। हालांकि पानी के नीचे होने की वजह से यह अभी अनफीजिबल है, क्योंकि 1480 में एक साइक्लोन ने इसे पानी में सबमर्ज कर दिया था। पर बरसों से यह कयासें लगाई जाती रही हैं कि यह मैनमेड है या नहीं, क्योंकि यह ब्रिज जितना ज्यादा साइंटिफिकली सरप्राइज कर देने वाला है उतना ही पॉलिटिकली और रिलीजियसली सेंसिटिव भी है, क्योंकि हजारों लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है। इससे आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ राम सेतु की, जिससे कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण के अनुसार जब रावण ने देवी सीता का हरण किया था, तब भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध करने के लिए इस पुल का निर्माण करवाया था, और तब से ही हजारों लाखों हिंदुओं की आस्था राम सेतु से जुड़ी हुई है। रिसेंटली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी राम सेतु पर एक साइंटिफिक डीप वाटर स्टडी करने के लिए ग्रीन लाइट दे दी है। पर क्या यह सच में मैनमेड है, और जो हमारी पौराणिक कथाओं में कहा गया है क्या वो सही है, या ये यहाँ के नेचर के द्वारा बनाया गया है? राम सेतु से जुड़े इन्हीं सारे कल्चरल और पॉलिटिकल पॉइंट्स को हम आज डिस्कस करेंगे। हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण में भगवान विष्णु के सातवें अवतार और अधर्म के नाश करने के लिए अवतरित भगवान राम की कहानी पढ़ी जाती है। भगवान राम को उनके जीवन में 14 साल का वनवास हुआ था, जिसके चलते वह दक्षिण में ऋषि मुनियों के पास पंचवटी जंगल में रहने गए थे, और इसी पंचवटी जंगल से असुरों के राजा रावण के द्वारा माता सीता का हरण किया गया था और उन्हें लंका ले जाया गया था। भगवान राम पर वनवास के समय उनके लोगों की सेना नहीं थी, तो उन्होंने वानरों की सेना बनाई और इसी वानर सेना ने उन्हें रावण के खिलाफ जीत दिलाई। भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान ने वानर सेना के साथ मिलकर राक्षसों के राजा रावण के आइलैंड पर जाने के लिए एक ब्रिज का निर्माण किया था, और इसे ही आज राम सेतु कहा जाता है। यही बात कई पौराणिक ग्रंथों में लिखी है, कई स्पिरिचुअल टेक्स्ट में लिखी है, और कई रिसर्च भी इसे सही बताते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार इसे सेतु बंधन कहा जाता है, जो कि भारत और श्रीलंका को लिंक करता है। इस ब्रिज का उल्लेख 850 एडी के एक पर्शियन ज्योग्राफर एब्ने ने अपनी किताब बुक ऑफ रोड्स एंड किंगडम्स में भी किया है, जिसमें इन्होंने इसे सेट बंधाई यानी कि ब्रिज ऑफ द सी कहा है। इस ब्रिज का एक और मेंशन डच कार्टोग्राफर के द्वारा 1747 एडी में किया गया था, जिसमें उसने इस ब्रिज को रामायण कॉयल यानी कि टेंपल ऑफ राम के रूप में अपने मैप में दिखाया था। यह मैप आज भी तंजावुर सरस्वती महल लाइब्रेरी में रखा हुआ है। इसी तरह दशकों तक तरह तरह के टेक्स्ट और तरह तरह के मैप्स में राम सेतु का वर्णन हमें मिलता रहता है। वहीं एक ब्रिटिश कार्टोग्राफर ने 1804 में इसे एडम्स ब्रिज कहा था। एक एब्राहमिक लेजेंड के अनुसार इसका नाम एडम्स के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इस ब्रिज को समुद्र क्रॉस करके माउंटेन पीक पर पहुंचने के लिए बनाया था। इसके अनुसार एडम ने उस पीक पर जाकर हजार साल तक पेनिटेंस की थी, जिसको आज एडम्स पीक कहा जाता है। लेकिन अगर इस मामले में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें, तो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च को आज तक अनगिनत प्रपोजल दिए जा चुके हैं, जिससे एक्सपेडिशन कराकर यह पता लगाया जा सके कि यह मैनमेड है या नेचुरल। आज तक इन प्रपोजल्स पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया था, पर पहली बार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने राम सेतु पर एक स्टडी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। यह प्रपोजल CSIR और NIO के द्वारा सबमिट किया गया था, और इस प्रपोजल का बेस ही यह है कि यहाँ पे एक्सपेडिशन करवाई जाए और पता लगाया जाए कि राम सेतु मैनमेड है या कि नेचुरल। NIO ने कहा है कि हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट तीनों के बीच में रामायण की डेस्ट और हिस्टोरिसिटी को लेकर डिबेट बना रहता है, और इसी डिबेट को खत्म करने के लिए हमें राम सेतु के फॉर्मेशन, नेचर और सराउंडिंग पर एक साइंटिफिक अंडर वाटर स्टडी करनी चाहिए।
हालांकि रिपोर्ट्स की माने तो यह एक्सपीडिशन मार्च 2021 में शुरू हो जाना था, बट कोविड-19 के चलते इसको टाल दिया गया था और फिलहाल की रिपोर्ट्स इसके शुरू होने का कोई भी मेंशन नहीं करते हैं। हालांकि जनवरी 2021 में एक न्यूज रिपोर्ट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक एडमिनिस्ट्रेटर को कोट करते हुए कहा गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक कोई भी नोटिस नहीं दिया है और ना ही बताया है कि यह एक्सपेडिशन कैसे होगा या इससे सरकार क्या एक्सपेक्ट कर रही है। रिपोर्ट्स की माने तो एनआईओ को यह एक्सपेडिशन कंडक्ट करने के लिए सिंधु साधना वेसल की जरूरत पड़ेगी, जो कि 35 से 40 मीटर डीप सी में प्लंज करेगा और वहां से इसके राज खोज के निकालेगा। सिंधु साधना की बात करें तो यह इंडिजीनियस एक्सप्लोरेशन वेसल है जो कि लगातार 45 दिन तक अंडर वाटर रहकर एक्सपेडिशन कर सकता है और बाद में इस एक्सपेडिशन के सेडिमेंट्स की कार्बन डेटिंग करके इसकी आर्कियोलॉजिकल सच्चाई का पता लगाया जा सकता है। इसके साथ ही आर्कियोलॉजिकल एंटीक्विटीज हो, रेडियोमेट्रिक हो या थर्मोलोमाइंसेंस डेटिंग हो, इन सभी का यूज इस एक्सपेडिशन में किया जा सकता है। फॉर्मर मिनिस्टर प्रहलाद पटेल की माने तो सरकार ने राम सेतु का अंडर वाटर एक्सपेडिशन अप्रूव कर दिया है क्योंकि सरकार भी चाहती है कि दुनिया को राम सेतु के वैज्ञानिक एविडेंसेस का पता लगे। इसी के साथ साथ राम सेतु भारत का एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। यहाँ पे मरीन लाइफ को डिस्टर्ब करना इन्वायरमेंटल कंसर्न्स पैदा कर सकता है। 2004 में यूपीए गवर्नमेंट ने सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसके अंतर्गत पाक बे और गल्फ ऑफ मन्नार के बीच पड़ने वाले शैलो शी में राम सेतु का जो भाग है उसे खोदकर एक पैसेज बनाए जाने का विजन था, जिससे इंडिया के ईस्ट और वेस्ट कोस्ट को लिंक किया जा सके और श्रीलंका से घूम कर जाने की जो प्रॉब्लम है उस लॉजिस्टिक इशू को खत्म किया जा सके। बट यह प्रोजेक्ट शुरू होते ही इन्वायरमेंटल एडवोकेट्स और रिलीजियस एंथुसियास्ट का टारगेट बन गया। 2004 में गवर्नमेंट एजेंसी इस पे काम तक करना शुरू कर चुकी थी, बट उन्होंने पब्लिक के सवालों को इग्नोर कर दिया, जिसके चलते यह केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया और 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने राम सेतु की खुदाई को रोक दिया क्योंकि यह पूरा केस इमेंस हिंदू रिलीजियस बिलीफ का था। 2008 में यूपीए गवर्नमेंट ने आर के पचौरी कमेटी का गठन किया, जिनके अनुसार भी अगर यहाँ पे खुदाई की गई तो यहाँ पे पाई जाने वाली 600 से ज्यादा फिश स्पीसीज और 70 कॉमर्शियल इम्पोर्टेंट स्पीसीज पर खतरा आ सकता है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि राम सेतु के सराउंडिंग में 36,000 से ज्यादा फ्लोरा और फाउना स्पीसीज पाई जाती हैं और यहाँ पर मैंग्रोव और टर्टल नेस्ट भी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसी के साथ साथ मछलियाँ, लॉबस्टर, क्रैब्स के लिए यह ब्रीडिंग ग्राउंड भी है और यहाँ पर किसी भी प्रकार का अगर बदलाव किया जाता है तो वह इस पूरे जगह के इकोलॉजिकल एनवायरमेंट पर निगेटिव इफेक्ट डालेगा। पचौरी कमेटी की यह रिपोर्ट गवर्नमेंट के खिलाफ एक क्रिटिक का काम कर रही थी। इसके बाद यूपीए रिजीम ने 2009 में सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट भी सबमिट किया, जिसमें कहा गया था कि पूरा राम सेतु का एरिया नेचुरल फॉर्मेशन है और कहा गया कि यह तब बना होगा जब श्रीलंका इंडियन मेनलैंड से अलग हुआ था, पर बाद में जनता के आक्रोश के चलते और जगह जगह हो रहे प्रोटेस्ट के चलते इस पूरे एफिडेविट को वापस ले लिया गया। हालांकि आज भी यह रीजन सेफ नहीं है, यहाँ आज भी थर्मल वेस्ट डंप किया जा रहा है जो कि यहाँ की इकोलॉजी और एनवायरमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा है, पर क्योंकि इससे रिलीजियस सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं तो यह मैनमेड है या नेचुरल इस बात पर फुल स्टॉप लगाया जाना जरूरी है, जिनके लिए पहले भी स्टेप लिए गए हैं। सन 2000 में एक एक्सपेडिशन किया गया था जिसके कोई ठोस रिजल्ट सामने तो नहीं आए, बट सीनियर आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक उन्होंने जब अंडर द सी एक्सप्लोरेशन करने की कोशिश की तो वह कभी भी सी बेड तक नहीं पहुंच पाए थे, इसीलिए इस एक्सप्लोरेशन को कभी भी पूरा नहीं माना जाता है। अंडरवाटर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड रहे आलोक त्रिपाठी ने भी एक प्रपोजल दिया था जिसमें राम सेतु के अंडरवाटर एक्सपेडिशन करवाने की बात की गई थी। हालांकि ICHR ने इस आइडिया को अप्रूव भी कर दिया था, पर बाद में ICHR के नए हेड ने आकर इसको कैंसिल कर दिया और कह दिया कि एक्सकेवेशन का काम हिस्टोरियंस का नहीं है, यह काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। पर आखिर सवाल वही आता है कि यह है कितना पुराना, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट रामेश्वरम के अंतर्गत इंडिकेट किया था कि रामेश्वरम आइलैंड और श्रीलंका के तलाई मन्नार आइलैंड 7,000 से 18,000 साल तक पुराने हैं, पर इनके बीच बने रामेश्वरम की कोरल डेटिंग से पता पड़ा था कि वह केवल 500 से 600 साल पुराना ही है। रामायण के मुताबिक यह ब्रिज एंशियंट है,
परंतु अभी तक कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि यह मैनमेड है। रिपोर्टेडली लोग कहते हैं कि 15th सेंचुरी तक यह ब्रिज पैदल चल के पार किया जा सकता था। टेंपल रिकॉर्ड्स की माने तो 1480 तक यह ओवर द सी ब्रिज था, लेकिन नेचुरल क्लाइमेटी के चलते यह धीरे धीरे समुद्र के अंदर डूबता चला गया। इतिहास में अनेकों साम्राज्य, चाहे वह विजयनगर साम्राज्य हो, बहमनी साम्राज्य हो, चाहे विदेशों से आए अलबरूनी जैसे लोग हो, सभी की किताबों में इसका वर्णन यह तो साफ कर देता है कि यह 500-600 साल पुराना तो नहीं है, बल्कि उससे कई सदियों पुराना है। जैसे जैसे साइंटिफिक एविडेंसेस और मिलेंगे और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व करेगी, हमें राम सेतु से रिलेटेड नई जानकारियां मिलती जाएंगी और आने वाले समय में राम सेतु से जुड़े हुए नए नए हिस्टोरिकल एविडेंसेस हमारे सामने आते जाएंगे। पर एविडेंस या रिपोर्ट जो भी आए, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह ब्रिज हिंदुओं की आस्था से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। आज यह ब्रिज मैनमेड है कि नेचुरल है, इस पे लोगों के अपने अपने मत हो सकते हैं, पर हर किसी की आस्था का सम्मान करना यह हमारा दायित्व है। धन्यवाद।